ऑनलाइन क्लासेस मैं जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में थर्ड एंगल के बारे में बताऊंगा। इससे पहले क्लास में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहां पे हम लोग इसको प्रोजेक्शन लाइन के थ्रू प्रोजेक्ट कर चुके थे हम लोग। तो हम बताने वाले थे प्लेन कैसे खुले गया। तो सबसे पहले जान ले समझ लीजिए कि ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहाँ पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। तो हम बताए थे हम लोगों को जो प्लेन बना था मेरा वो किस टाइप से बना था। ये था ये फ्रंट व्यू मेरा बना था, जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक था तो नीचे बना हुआ था। ये था इसका ये व्यू था, फ्रंट ये था, ये है ना। तो फ्रंट जो इधर था तो फ्रंट मेरा काम बना था, टॉप सामना था मेरा इस पर बना था, स्टेप टॉप बना हुआ। तो साइड था मेरा ऐसे बना हुआ, ठीक है। तो देखिए प्लेन जुड़ा हुआ कैसे था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। आप लोग पहले बताया था कि ये होता है वर्टिकल प्लेन, ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। प्लेन क्या होता है, हम लोग ये जो प्लेन है इसको मानते हैं कि स्थिर रहेगा, मतलब मूव नहीं करेगा। और ये जो एच पी है वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। तो अभी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। तो क्या होगा, ये जो प्लेन है उसको जब हम लोग घुमाएंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये है आपका एच पी और ये है आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक। इसको जब ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये पेज के तरीके से खुलेगा इस टाइप से, ये हो जाएगा आपका एच पी वर्टिकल प्लेन, ठीक। तो देखिए ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो थर्ड एंगल था वो कहाँ था, ये सर यहाँ पे आपका बना था, कौन सा था टॉप भी बना था, इसके इससे आपका ये बना था फ्रंट भी, ठीक है। ये साइड जो था वो यहाँ जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये जुड़ा हुआ किसके साथ था, वर्टिकल प्लेन के साथ। ये साइड भी मैं वो कहाँ बनेगा, ठीक। साइड में बनाएंगे, साइड में ये
साइड कहाँ बनेगा मेरा, यही भी बनेगा आगे इस तरह से फ्रेम रहेगा। तीनों को लोग मिलाएंगे तो कैसे होगा देखिए, सेम वही चीज होगा। ये फिगर देखिए लेफ्ट साइड से, लेफ्ट में रहेगा यहाँ आपका बना फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू वही है। टॉप आपको बनेगा ठीक है, उसके ऊपर फ्रंट आपका नीचे में टॉप क्या होगा, सिक्स आप में ऊपर बनेगा ठीक। साइड हमेशा क्या होगा और फ्रंट के बराबर बनेगा। ये लोग जान लेते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या क्या अंतर होता है ठीक। देखिए ये देखिए फर्स्ट एंगल में क्या होता है, फिर समझ लेंगे। फर्स्ट एंगल में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है। थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। पहला पॉइंट ये हुआ ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फर्स्ट एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड एंगल में थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ठीक है। दूसरा चीज फर्स्ट एंगल में जो प्लेन होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है ठीक है। नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब है जिसके हम लोग आर पर नहीं देख सकते हैं। थर्ड एंगल में क्या होता है, प्लेन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके हम लोग आर पर देख सकते हैं। तीसरा तीसरा डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस होता है फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर होता है, उसके बाद बीच में होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद होता है प्लेन जिस प्लेन पर हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे ठीक है। थर्ड एंगल में क्या होता है, थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर होता है, उसके बाद प्लेन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है ठीक है। तीसरा चीज हमसे याद रखिएगा, चौथा चीज जो पोजीशन क्या होता है, टॉप हमेशा जो होते हैं सॉरी फ्रंट जो होता है वो हमेशा ऊपर बनेगा और टॉप हमेशा नीचे बनेगा ठीक है। थर्ड एंगल में क्या होता है कि टॉप हमेशा ऊपर बनेगा और फ्रंट हमेशा नीचे बनेगा ठीक है। पांचवा पॉइंट याद रखना है कि व्यू जो मेरा बनेगा वो हमेशा क्या होगा, यहाँ पे उल्टा बनेगा, मतलब उल्टा डायरेक्शन में बनेगा, अपोजिट साइड में बनेगा ठीक है। जैसे कि ऊपर से देखने वाला नीचे बनेगा, दाएं से वाला बाएं, बाएं वाला दाएं ठीक। और थर्ड एंगल क्या होता है कि जिधर से हम लोग देखते हैं उधर ही बनेगा, मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा, और राइट हैंड से देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में। जैसे टॉप ऊपर से हम लोग देखते हैं लेकिन टॉप क्या होता है, ऊपर ही बनता है, फ्रंट हमेशा देखिए लेफ्ट रहेगा तो राइट बनेगा, राइट रहेगा तो लेफ्ट में बनेगा। ये तो इसका अंतर हो गया ठीक। अच्छा एक याद रखिएगा, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ये सब डिफरेंस है, लेकिन जो व्यू आता है व्यू सेम ही होता है, सिर्फ क्या होता है व्यू का जो जगह होता है वो पोजीशन जो होता है बनाने का वो बदलता है ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।